हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एमपी ऑनलाइन मकरोनी में। मैं नंदलाल, आपके लिए इंडियन आर्मी में बम्पर भर्ती निकली हुई है दोस्तों, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों। तो मेरे साथ मेरी इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसमें फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें एंड घंटे के बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, जिससे कि मैं जो भी नोटिफिकेशन या वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी PDF पे। जी हाँ दोस्तों, ये हम अपनी PDF में आ गए हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस जौहर असम। हाँ दोस्तों, जी हाँ, आप सही समझे, ये वैकेंसी असम में निकली हुई है आर्मी की। और मैं आपको बता दूं, असम के कैंडिडेट जो किस ज़िले से हैं वही ज़िले आपसे कर सकते हैं, यानी कि ये जोरहाट, मुजली, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, गोलाहाट, शिवासागर, छरदियाड़ो, धेमाजी, नॉर्थ लक्ष्मीपुर एंड करवी एनालॉग। इस स्टेट के यानी इस डिस्ट्रिक्ट के लोग बच्चे इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको इसको फिजिकल की डेट बता दूं दोस्तों, तो 2 मार्च 2019 से स्टार्ट होगा, 9 मार्च 2019 तक आपका चलेगी दोस्तों रनिंग, ठीक है दोस्तों। आगे मैं आपको बता दूं इसमें, तो अब आगे आपका फॉर्म जो सॉरी एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आपका निकलेगा 3 जनवरी 2019 से 6 जनवरी 2019 के बीच में, ठीक है दोस्तों। और आपका फॉर्म की तारीख बता दूं तो 20 नवंबर 2018 से स्टार्ट होगा, आपको फॉर्म डालना हो गया है, और 31 दिसंबर इसकी लास्ट तारीख दोस्तों 2018 में। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया तो दोस्तों अभी भरवा लें, जो असम का है वो बिल्कुल भरवा लें, क्योंकि ये वैकेंसी जो आर्मी में निकली है वो असम की ही है, क्योंकि ये खुली भर्ती है दोस्तों असम वालों के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आपके इसमें किस किस में जगह हैं और कितनी हाइट मांगी है, कितना जन्मतिथि वगैरह, मैं पूरी जानकारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करूँ सोल्डर जनरल GD, जो GD रहता है उसके लिए मैं आपको बताऊँ 17.5 से 21 साल तक की उम्र के बीच में होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इसमें छूट का कोई कॉलम नहीं रहता है, यानी कि 17.5 से 21 तक ही वो आपको लेंगे, ठीक है दोस्तों। जन्मतिथि आपको बता दूं 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2011 के बीच में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हाइट की मैं बात करूं तो आपको 1.60 सेंटीमीटर, हाँ जी हाँ, 1.60 सेंटीमीटर होना बिल्कुल आवश्यक है। और वजन, जो वजन आपका केजी में, वो 48 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब मैं चेस्ट की बात करूँ दोस्तों, यानी कि जो छाती होती है उसकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपको इसको खुला के 5 सेंटीमीटर और होनी चाहिए। अब मैं आपकी बात करता हूँ इसमें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है आपका 10th पास मांगा है और 45% मार्क्स मांगे हैं इसमें, 45% होना बहुत ही ज़रूरी है। और हाईयर क्वालिफिकेशन यानी कि 12th में भी आपका 33% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपना शोल्डर टेक्निकल, इसमें भी 17.5 से दोस्तों इसमें 23 तक मांगा है, इसमें 2 साल की छूट दी है सब बच्चों को, ठीक है। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 अक्टूबर 1995 से 1 अप्रैल 2001 के बीच तक के बच्चों को लिया जा रहा है। यहीं पे मैं हाइट की बात करूं तो इसमें 1.57 सेंटीमीटर हाइट मांगी, क्योंकि दोस्तों ये टेक्निकल वाली भर्ती है, वैसे ही आपको पता है टेक्निकल तो कम ही लेते हैं हाइट। और वजन की बात करूं तो वजन सेम है 48 किलो, और चेस्ट जो सीना रहता है वो 77 से 82 फुलाकर हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपकी 12th मांगा है, और वो भी मैथमेटिक्स से होना चाहिए, मैथ में मैथ और इंग्लिश में 50% मार्क बिल्कुल बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपनी जो शोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट की निकली है, इसी में नर्सिंग असिस्टेंट की मैं आपको बता दूं तो 17.5 से लेकर 23 साल तक, जैसे शोल्डर टेक्निकल में थी उतनी ही इसमें है, ठीक है। अब
मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता दूँ इसमें, तो 1 अक्टूबर 1995 से 1 अप्रैल 2011 के बीच वाले बच्चे भर सकते हैं। हाइट 157 सेंटीमीटर दी है दोस्तों, और वजन की बात करूँ तो 48 किलोग्राम, और वहीं पर सीना की बात करूँ मैं तो 77 मिनिमम होना चाहिए, और फुला के आपको 5 सेंटीमीटर आवश्यक है। अब क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों तो इसमें 12th पास आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है उससे 12th होना चाहिए, और बायोलॉजी एंड इंग्लिश फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हुए सोल्डर ट्रेडमैन की बात करूँ तो 17.5 से 23 तक के बच्चों को लिया जा रहा है इसमें उम्र, और इसकी जन्मतिथि की बात करूँ मैं तो 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2001 के बीच वालों को लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करूँ इसकी हाइट की तो 160 सेंटीमीटर मांगा है, और वजन की बात करूँ तो 48 किलोग्राम वो सब एक ही मांगा है दोस्तों, और मैं चेस्ट की बात करूँ तो 77 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा है और 5 सेंटीमीटर फुला के मांगा है। ठीक है दोस्तों, और आगे मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर देता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर 10th पास आपको होना बहुत ज़रूरी है, 10th पास और ITI भी इसमें मांगा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, और आगे चलते हैं दोस्तों अपन सोल्डर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्नीशियन और इन्वर्टरी मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो 17.5 से 23 तक इसमें उम्र मांगी है, और मैं आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ बता दूं दोस्तों तो 1 अक्टूबर 1995 से 1 अप्रैल 2001 के बीच में होना अति आवश्यक है। ठीक है, और मैं हाइट की बात करूं यहीं पे तो 160 सेंटीमीटर मांगी है, और 48 सेंटीमीटर इसका वजन मांगा है आप में कितना किलोग्राम वजन है, और चेस्ट में दोस्तों आपको बताऊँ सब में एक ही मांगा है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करूँ मैं तो 12th मांगा है आपका किसी भी सब्जेक्ट्स में, लेकिन बट 60% मार्क्स होना बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों अपन इसमें, अब आता है दोस्तों क्लास कैटेगरी, जो लड़ाकी होती है दोस्तों उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी है, और चेस्ट 50 सेंटीमीटर, और वजन 77 किलोग्राम। ठीक है, और यहीं पे मैं बात करूँ तो गोरखास बोथ नेपालीज एंड इंडियन इन सब के लिए भी 157 सेंटीमीटर मांगा है, और 77 किलोग्राम वजन मांगा है, और चेस्ट मांगा है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें अब कैटेगरी की बात करूं दोस्तों तो आप यहां पे देख सकते हैं कैटेगरी के बारे में पूरा दिया हुआ है स्ट्रक्चर, और अब आगे चलते हैं दोस्तों अपन इसमें, अब मैं बात करूं दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो इसमें फिजिकल दोस्तों आपका होने वाला है तो 1600 किलोमीटर की रनिंग होनी है, 1600 मीटर की आपकी रनिंग होनी है। यहाँ पे क्या है, अब दोस्तों जैसे समय बदलता जा रहा है उसी प्रकार यहाँ पे भी बदलाव किए गए हैं, तो बदलाव ये है कि ग्रुप वन में आपका जो 5:30 में अगर आप रनिंग निकालते हो या इससे पहले निकालते हो तो आपको 60% मार्क्स मिलने वाले हैं, 60 मार्क्स, और अगर ग्रुप टू की बात करूँ तो 5:31 से 5:45 के बीच में अगर रनिंग निकालते हो आप तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपकी जो आप दोस्तों मैं बात करूंगा अब अपनी बीम की, तो अगर आप 10 बीम लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप 9 लगाते हैं तो 33 मार्क्स मिलते हैं, अगर 8 लगाते हैं तो 27 मार्क्स, 7 लगाते हैं तो 21, 6 लगाते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जंप वगैरह कुछ नहीं मांगा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या दिया है इसमें, फिर वो बता दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट। ठीक है, मेडिकल के बाद आपका होगा रिटर्न टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आपका क्या होगा रिटर्न टेस्ट, यानी पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बात करूं इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट आर रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों तो आपको क्या क्या लेना है इसमें, एडमिट कार्ड तो चाहिए, फोटोग्राफ भी चाहिए आपका, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपके लिए। ठीक है, और जो डोमिकल होता है आपका, जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिकल यानी मूलवासी प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, और कास्ट जो जाति होता है, रिलीजन सर्टिफिकेट आप कहाँ के हो, सिक्किम या ठीक है दोस्तों आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट, करेक्ट सर्टिफिकेट, करेक्ट सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट भी मांगा है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी मांगा है दोस्तों, इस तरह से आप पास एनसी सर्टिफिकेट हो तो एनसी सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप।
ठीक है दोस्तों, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ऐसे ही पूरा नोटिफिकेशन आपको दिया है, मैं आपको दोस्तों इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और ये आपका ही परिवार है दोस्तों, आपको ही आगे बढ़ाना है। टेक केयर, बाय बाय।